बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे टीचिंग स्टाइल पर। द टीचर पासेज ऑन एंड पासेज ऑन द कल्चर। दीज वर्ड्स कंटेन एन इम्पॉर्टेंट ट्रूथ। व्हेन पीपल लर्न टू रीड एंड राइट, सोसाइटी चेंज। Whether or not the teacher understands his role in teaching, his students consider him an instrumental in their change. The effective teacher knows how he affects his students. तो हम बात करते हैं टीचिंग स्टाइल्स की। तो टीचिंग स्टाइल में जो सबसे पहली अप्रोच है उसका नाम है टीचर सेंटर्ड अप्रोच टू टीचिंग। इन दिस अप्रोच टीचर डिसाइड एवरीथिंग। टीचर ने डिसाइड करना होता है कि उसे क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में द टीचर इज द मेन रिलायबल रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। टीचर इज द मेन अथॉरिटी। स्टूडेंट पैसिवली रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टीचर थ्रू लेक्चर्स एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। इन टीचर सेंटर्ड अप्रोच टू मेथड्स यूज किए जाते हैं मोस्टली। लेक्चर मेथड, इसमें क्या होता है, रीड अलाउड। लेक्चर मीन रीड अलाउड। एक्सप्लेन द टॉपिक, फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट, क्लियर अप द कंटेंट मैटर टू द स्टूडेंट्स by using gestures, by changing voice, by changing positions, by facial expressions. In teacher-centered approach, the second method is direct method. Focus on questions, answers, conversation, डिक्टेशन, सेल्फ करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, मैप ड्राइंग। इसमें क्या होता है, इट इज एन एविडेंस बेस्ड टीचिंग होती है। इसमें क्या होता है, जो क्लासरूम है इसके जो एडवांटेज हैं, क्लासरूम रिमेन्स ऑर्डरली, स्टूडेंट्स आर क्वाइट, बिल्कुल खामोश होते हैं स्टूडेंट्स। टीचर टॉक्स, स्टूडेंट्स ओनली लिसन। स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करने की इसमें इजाज़त नहीं होती। द टीचर डायरेक्ट्स ऑल द क्लासरूम एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू वरी दैट दे विल मिस एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आर टॉपिक। स्टूडेंट्स रिलाइंग ऑन द टीचर मोर देन themselves। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। नंबर वन क्या है, जो स्टूडेंट्स है वो पैसिव लर्निंग बन जाता है, गैर मुतहरिक लर्नर बन जाता है। स्टूडेंट्स डू नॉट अलाउ टू आस्क क्वेश्चन। सिर्फ उस्ताद को एक राइट होता है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। Students work alone. Students do not learn to collaborate with other students and the communication skills may suffer. Students get boring. Students act as if they are listening about, actually their minds are not paying attention. बज़ाहिर ये नज़र आ रहा होता है कि स्टूडेंट्स
टीचर ये समझता है कि स्टूडेंट्स उसे सुन रहे हैं, बड़े गौर से उसकी बात को सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ध्यान कहीं और होता है। इसके बाद क्या हुआ, ए न्यू अप्रोच इंट्रोड्यूस्ड, उसका नाम क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच टू टीचिंग। इसमें क्या होता है, शिफ्ट द फोकस ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट। इसमें जो मेथड यूज करते हैं उसमें है एक्टिव लर्निंग, इन विच स्टूडेंट्स सॉल्व प्रॉब्लम्स, आंसर क्वेश्चन, स्टूडेंट्स भी, उसको भी एक राइट होता है, वो भी आंसर क्वेश्चन करता है, फॉर्मुलेट क्वेश्चंस ऑन देयर ऑन, अपने आप से भी खुद भी वो क्या क्वेश्चंस बनाता है, इसमें डिस्कस करता है, एक्सप्लेन करता है, डिबेट करता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है ड्यूरिंग क्लास। सेकंड मेथड इज कोऑपरेटिव लर्निंग, इन विच स्टूडेंट्स वर्क इन टीम्स ऑन प्रॉब्लम्स एंड प्रोजेक्ट्स अंडर कंडीशन बट अश्योर बोथ पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। इसमें और भी बहुत सारे मेथड अप्लाई किए जा सकते हैं, जैसे कि स्टोरी टेलिंग है, रोल प्ले है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, केस बेस्ड लर्निंग है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, डिस्कवरी लर्निंग है। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में इसके जो एडवांटेज हैं, इसमें स्टूडेंट्स कम्युनिकेट करते हैं एंड कोलैबोरेट करते हैं थ्रू ग्रुप वर्क, स्टूडेंट्स लर्न टू आस्क क्वेश्चंस एंड कंप्लीट टास्क इंडिपेंडेंटली, स्टूडेंट्स बिकम मोर इंडिपेंडेंट लर्नर, स्टूडेंट्स इज मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग एक्टिविटीज। इसमें जो एक मॉडल यूज किया जाता है टीचिंग के एंड में, आई डू, वी डू, यू डू एंड अगेन यू डू, तो आते हैं हम इस मॉडल पर, आई डू मॉडल्ड इंस्ट्रक्शंस, टीचर डिमोन्स्ट्रेट करता है, शो करता है, चीजों को दिखाता है। इसके बाद है वी डू को कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है, ग्रुप वर्क विद टीचर डायरेक्शन, टीचर की हदायत के मुताबिक ग्रुप वर्क किया जाता है। उसके बाद यू डू फैसिलिटेशन है, इंडिविजुअल वर्क विद टीचर गाइड, टीचर की गाइडेंस से, टीचर की हेल्प से स्टूडेंट्स काम करता है। एंड अगेन यू डू इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, स्टूडेंट्स कंप्लीट टास्क अनएडेड, किसी की मदद के बगैर स्टूडेंट्स काम करता है। इस अप्रोच के भी डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स आर टॉकिंग क्लासरूम इज ऑफन नॉइसी, तो क्लासरूम में अक्सर शोर होता है, डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दीज एक्टिविटीज फॉर टीचर व्हेन स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेम प्रोजेक्ट, सम स्टूडेंट्स मे मिस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सम स्टूडेंट्स प्रेफर टू वर्क अलोन, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि हम अकेला काम करें। एन अफेक्टिव टीचर अप्लाइज बोथ टीचिंग अप्रोचेस इन क्लास, और जब दोनों को, एक अफेक्टिव टीचर जो होता है, गुड टीचर जो होता है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच एंड स्टूडेंट सेंटर अप्रोच को मिक्स करके स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, और उस जो थर्ड अप्रोच है उसका नाम है मिक्स्ड सेंटर्ड अप्रोच। द पर्पस ऑफ दीज टीचिंग अप्रोचेज टू इंजेक्ट द नॉलेज इनटू स्टूडेंट्स माइंड, होपफुली यू विल हैव अंडरस्टूड दीज टीचिंग स्टाइल्स। इस वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द कंट्री स्कूल पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें,
खुदा हाफिज़, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।